मैं फिर कह रहा हूँ, वैष्णो देवी आइए फिर देखिए, जन्नत के साथ आशीर्वाद मिलेगा। फाइनली गाइस हम भवन तक पहुँच चुके हैं माँ के, और बहुत खुशी हो रही है जय माता दी कि माँ अपने पास बुलाएं और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं लाइफ में बहुत अच्छा काम करूं और आगे बढ़ूं, बरनती हो। और मैं यही चाहूँगा कि माँ अपने पास हमेशा बुलाती रहें। और यही भवन है, और बाकी लोग चले गए हैं, कुछ लोग पीछे हैं, ठीक है। तो अभी हम बीचों बीच हैं और जितने ग्रुप लोग सारे मिल चुके हैं। मम्मी भी आ गई, चाची भी आ गई। अरे चाची घोड़ा पा रहे हैं भाई, देख लीजिए, वाह बढ़िया भी बनेगा। तो चाची घोड़ा पा रही हैं। हाँ यही तो पहले करना चाहिए था। हाँ जय माता दी। और ये भैरव जी का प्रसाद है। ठीक है, सामान यहाँ पे हैं, भैया भी प्रसाद रख दिए हैं। और आपको पता है आपका भाई बहुत फिटनेस वाला है, बहुत फिटनेस वाला। माँ का आशीर्वाद है, देखिए। और साथ में ही नहीं, मम्मी का झोला भी लिए हैं भाई, मम्मी का झोला भी लिए हैं। और ये देखो बैग भी टांगे हैं, ठीक है ठीक है। आपका भाई बहुत फिटनेस वाला है। माँ का आशीर्वाद हो तो पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। गाइस ये जो प्रसाद है ना, अकेले हम चढ़ा रहे हैं और टोटल 5 प्रसाद है। ये काउंटर है, और आगे भवन है। गाइस जब भवन में पहुंचेंगे ना, तो यहाँ पे नहा कर पूजा करना रहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना बड़े स्क्रीन पे, ये लाइन लगा हुआ है, ये जो देख रहे हैं। और ये लाइन, ये जो वहाँ देख रहे हैं, ये सब लाइन वहाँ तक गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब भी आइए तो पहले आप नहाइए, नहाने के बाद पूजा करिए। और सबसे पॉइंट की चीज़ ये है, बेल्ट और पर्स अपने पास मत रखिए। अभी हम आदि कुमारी पहुँच चुके हैं और लगभग 5:10 हो रहा है, और उनको हम वेट किए हैं लगभग 1.5 घंटा। अभी तक ग्रुप में कोई दिखाई नहीं दिया और ना ही अभी तक कोई आया है। और मैं सीढ़ी से आया हूँ ना, तो शॉर्टकट ज़्यादा मारा हूँ, तो सबसे आगे हम ही आए हैं। और अभी तक वेट किए हैं, कोई आया नहीं, सब आराम आराम से आ रहे हैं। हम निकलते हैं भवन पे अब, उसके बाद से भवन में पूजा करने के बाद भैरव की पूजा करेंगे, फिर इसके बाद उतर जाएंगे। फिर उसके बाद अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर रूम पे निकल जाएंगे। रूम पे तो सारे लोग मिल जाएंगे, तो उसके तो आधा घंटा और वेट करते हैं 5:30 तक। अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर निकलते हैं। और ये तो कुमारी का लोकेशन है, राइट मुड़ेंगे ना तो वहाँ टोकन कटेगा, फिर इसके बाद से इसमें पूजा करेंगे। और जो गुफा है ना, ये आप जो देख रहे हैं फर्श ना, यही गुफा है, इसके नीचे ही, ठीक है। तो वहाँ से अंदर घुसेंगे, उसके बाद से यहाँ, वहाँ से अंदर घुसने के बाद निकलेंगे, क्या पता है, इस साइड निकलेंगे, इस साइड। तो आधा घंटा और वेट करते हैं, अगर कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर निकल चलेंगे। बाकी धूप तो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा धूप है। जय माता दी, 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 जय माता दी। नाइस। और आगे अभी लगभग 2 किलोमीटर बचा हुआ है, बस माता की भवन पे पहुंचने वाले हैं। टैक्सी सब चल रही है। तो प्रसाद ये जो है ना, जैसे जो लोग पैसा दिए थे उनके पैसे का प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, फिर ले जाके दे देंगे, और अपना भी चढ़ा रहे हैं। तो टोटल 5 प्रसाद है।
पैसा तो चढ़ा देंगे, प्रसाद भी दे देंगे उन लोग को। फाइनली गाइस हम भवन तक पहुंच चुके हैं माँ के, और बहुत खुशी हो रही है जय माता दी कि माँ अपने पास बुलाएं और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं लाइफ में बहुत अच्छा काम करूं और आगे बढ़ूं, बरनती हो। और मैं यही चाहूंगा कि माँ अपने पास हमेशा बुलाती रहें। और यही भवन है, और बाकी लोग चले गए हैं और कुछ लोग पीछे हैं, ठीक है। तो अभी हम बीचों बीच हैं और जितने ग्रुप लोग सारे मिल चुके हैं। तो लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जय माता जी लिखिएगा। बाकी रात हो चुकी है, सुबह चढ़ाई किए थे, रात को पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, माँ हर साल बुलाएं, हर साल आए। और जब भी आइए मई या जून में आइए, मैं तो कहूँगा मई में आइए, मई में सही है, मई में आएंगे सही रहेगा। क्या हुआ, कहाँ है गाइस? जब भवन में पहुँचेंगे ना तो यहाँ पे नहा कर पूजा करना रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना बड़े स्क्रीन पे, ये लाइन लगा हुआ है, ये जो देख रहे हैं, और ये लाइन, ये जो वहाँ देख रहे हैं, ये सब लाइन वहाँ तक गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जब भी आइए तो पहले आप नहाइए, नहाने के बाद पूजा करिए। और सबसे पॉइंट चीज़ ये है, बेल्ट और पर्स अपने पास मत रखिएगा। बात ये नहीं है कि पर्स बेल्ट लगाएं, एक्चुअली लेदर का होता है, तो लेदर का बेल्ट होता है तो आप ना लगाइए, और पर्स है तो वो भी मत रखिए, क्योंकि लेदर का पर्स और लेदर का बेल्ट ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ बता रहा हूँ। तो मेरे पास ना ही हम बेल्ट लगाएं और ना ही मेरे पास पर्स है, ठीक है। तो सिर्फ फ़ोन है और पैसा है, और कुछ लेके नहीं आ रहा है। बाकी तो हम तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ बताते चले, और जो चीज़ ना बता पाए वो हमको गाइड करिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का नॉलेज हमें नहीं रहता है ना, तो हम भी आपसे सीख लेते हैं। फिर मैं बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। जय माता दी। और अभी जस्ट हम उठे हैं, मैं आपको बता दूँ, रात में पूजा अच्छे से कर लिए थे, माँ का दर्शन हो गया था, और अभी मैं भवन पर हूँ, और यहाँ से अब जाएंगे भैरव बाबा के लिए, जो सामने आप देख रहे हैं ना, माँ का भवन। प्लेस देख रहे कितना हाइपी है, ये जहाँ पर हम रुके हैं ये सब नया प्लेस है गाइस, बहुत लोग आते जाते होंगे। तो मैं बता दूँ आपको, तो पता है मैं रिसर्च करता रहता हूँ, तो यूट्यूब पे जो है ना हम भी वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन रिसर्च करते रहते हैं एक्सप्लोर, क्योंकि उसमें क्या है ना नए नए प्लेस, तो यहाँ पे देखिए नया बना था, तो पहले से हम देखे हुए थे वीडियो यहाँ पर। तो ऐसे ही जब आप मेरा वीडियो देखे रहेंगे ना, तो आपको पता रहेगा कहाँ पे है ये सिस्टम। देखिए ये सब नया है, सब नया बनाएगा इसलिए जितना देख रहे हैं। तो वीडियो देखा करिए, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, हर एक चीज़ दिखाते रहते हैं। आपको तो पता है कि जो भी दिखाते हैं रियल दिखाते हैं, जो जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पे हम खाते हैं, जहाँ हम जाते हैं, जो हम करते हैं, हर एक चीज़ दिखाते रहते हैं। तो अगर वीडियो देखे रहेंगे तो बहुत चीज़ का प्रभाव लग जाएगा, अंदाज़ा भी लग जाएगा। अभी चलते हैं, फटाफट रेडी होते हैं गाइस। सारे लोग ग्रुप में रेडी हो चुके हैं, और अभी हम माता के भवन पर हैं। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा, बस जाएंगे लिफ्ट से आगे है हाँ। और हम बता रहे कि दीदी क्यों कह रही थी, चश्मा नहीं लगाती इसलिए। अब उसे कैसी लग रही है रिया दीदी, आप लोग कमेंट करिएगा। और ग्रुप में सारे वहाँ लोग हैं, रात में कभी जल्दी रुकता नहीं था, लेकिन इस पारी रुके, बहुत अच्छा लगा, सारा नया प्लेस है। ये जिस बिल्डिंग में हम थे ना सारा नया बना है, अभी पहले था नहीं। श्री कैसी लग रही है बताइएगा, श्री
तो फाइनली हम माता के भवन से निकल रहे हैं और अब जा रहे हैं भैरव बाबा के पास। लिफ्ट से जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको हर एक चीज़, चाहे वीडियो 20 मिनट का बने या एक घंटे का बने, लेकिन अपनी मेमोरी, अपना हर एक मिनट हर पल मैं यूट्यूब पर डालूंगा। जिनको देखना होगा वो बिल्कुल देखेंगे और सीखेंगे भी, ठीक है। तो ये जो मैं वीडियो बन रहा है ये खुद मैं यहाँ पे आया हूँ और खुद डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कॉपीराइट। और आपको तो पता है मैं किसी का म्यूजिक नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद अपना म्यूजिक बनाऊँगा। जय माता दी। देख रहे सारा भवन, रात को ना हम यहीं पे रुके थे और यहाँ फिर सुनने के बाद अंदर गए थे हम। हाँ आइए, मम्मी है और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है। मम्मी जय माता दी। तो माता के भवन है अभी और यहाँ से भी दिखाते हैं आपको। ये जो सामान रखा है ना ये कुछ काम करने लिए रखा है। देख रहे पहाड़, मम्मी चलिए चले जाए सब। यहाँ पे एटीएम भी है। तो मैं जस्ट लिफ्ट के पास पहुंच ही रहा था तो मैं सोचा कि आपको अच्छे से दिखा दूं माता के भवन। यहाँ से देखिए पूरी खाई खाई दिखेगा। अगर आप लोग वैष्णो देवी नहीं आए तो प्लीज़ मेरे कहने पर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वैष्णो माता की जो कहानी है रियल कहानी है और मैं हर साल आता हूँ और माता बुलाती हैं मैं आता रहूँगा। और मैं फिर कहूँगा जब भी आइए, मई के महीने में आइए, जून में भी आ सकते हैं, और केदार जाइए तो जून अगस्त में जाइए, क्योंकि मई में बहुत भीड़ होती है। मई में तो लोकल एरिया में लोग पूजा करते हैं, मतलब वहाँ जो लोकल होते हैं वो केदारनाथ में ज़्यादा पूजा करते हैं। तो सारे लोग आगे निकल चुके हैं और मैं भी निकलता हूँ। गाइस लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन लगा हुआ है। तो लाइन जब तक मेरा आएगा ना तब तक 5 घंटा हो जाएगा और हम 2 घंटे में भैरव बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो टाइम ना बर्बाद करें, अगर आप फिटनेस सही है तो आप पैदल भी जा सकते थे। मेरा लिफ्ट से जाने का मतलब ये था कि टाइम बच जाएगा, लेकिन जब देखे लाइन ज़्यादा लगा हुआ है ना तो फिर मैं सीढ़ी से जा रहा हूँ। आपको पता है आपका भाई बहुत फिटनेस वाला है, बहुत फिटनेस वाला, माँ का आशीर्वाद है। देखिए और साथ में ही नहीं मम्मी का झोला भी लिए हैं भाई, मम्मी का झोला भी लिए हैं और ये देखो बैग भी टांगे हैं। ठीक है ठीक है, आपका भाई बहुत फिटनेस वाला है। माँ का आशीर्वाद हो तो पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। तो मैं चलते हैं फटाफट, भैरव बाबा का पूजा करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि भवन से पूजा करने के बाद भैरव बाबा के पास जाओगे तो आशीर्वाद आपको मिलेगा। और सारे देखिए जय माता दी जय माता दी। देखिए आंटी अंकल कितने एज हैं तभी सीढ़ी जा रहे, फिटनेस देखिए कितना अच्छा है। सीढ़ी से जाने से आपकी फिटनेस एकदम बनी रहेगी। तो सारे बच्चे भी सीढ़ी जा रहे हैं, तो भाई सीढ़ी से जाओ और स्ट्रांग रहो। तो फटाफट चलते हैं भैरव बाबा को पूजा करते हैं। जय माता दी। गाइस भैया मनु भैया और गोलू भैया और हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ज़्यादा सीढ़ी चढ़े हैं और अभी 350 सीढ़ी चढ़ चुके हैं और आगे आपको 150 सीढ़ी और दिखेगा 150।
ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने से ये प्रॉफिट है ना, फिटनेस फिट रहती है और स्ट्रांग रहते हैं और लोगों को पता रहता है कि हाँ अभी हम लोग जवान हैं, ठीक है। तो नौसिखिया जो लोग हैं ना वो पैदल जा रहे हैं, लिफ्ट से जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पैसा रख कर भी मेहनत से अपने पैरों से सीढ़ी से जा रहे हैं। तो हर चीज़ पैसा नहीं होता, कुछ अंदर की ताकत भी होती है भाई। माँ के द्वार पे आओ तो थोड़ा सा मेहनत भी कर लो। तो आगे भी हम 150 दिखाते हैं और चला जाए भैया। 150 है अभी, 350 हम आए हैं। गुल्लू भी आ रहे हैं, उन्हें भी आ रहे हैं, अभी ऊपर चढ़ेंगे। 150 ये है, ठीक है, यहीं से डायरेक्ट यहाँ से आप आए और यहाँ चढ़ दिए, ठीक है। तो कटरस भी हम सीढ़ी पकड़े थे और भवन से भी भैरवनाथ के लिए सीढ़ी पकड़े हैं भाई। माँ का आशीर्वाद हो तो पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, बस यही कह सकते हैं हम। सीढ़ी, सब सीढ़ी सीढ़ी है। गाइस, ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये ऑलरेडी हम चढ़ के आ रहे हैं। 350, 150 और आगे 107 है। भाई ये लोग आराम कर रहे हैं, सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है 107, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी चढ़ेंगे नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी सीढ़ी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो भाई आप सीढ़ी से तभी आइएगा जब स्ट्रांग रहिएगा, नहीं तो बीच में हालत पंचर हो जाएगी। भाई लोग आराम कर रहे, सामान पड़ा हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइस, 107 सीढ़ी चढ़ चुके हैं और अभी 75 है, वो भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और सामान यहाँ पे रख दिए हैं। ऑलरेडी सामान तो जाने कितना लोड है, भैया लोग आराम कर रहे हैं और मम्मी भी आ गई, चाची भी आ गई। अरे चाची घोड़ा पा रहे हैं भाई, देख लीजिए, वाह बढ़िया भी बनेगा। तो चाची घोड़ा पा रही हैं, हाँ यही तो पहले करना चाहिए था। हाँ तो घोड़ा जा रही है और मम्मी और चाची पैदल आ रही हैं, ठीक है। और बाकी लोग घोड़ा पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी हम घोड़ा बैठवा रहे हैं सबको। अभी कितना दूर है? अच्छा बस आ गया। अच्छा भीड़ है क्या मंदिर पे? भीड़ तो रहेगा। अच्छा भीड़ है, भीड़ है मतलब। बाकी चलते हैं हम लोग भी। मम्मी पता चलिए हम आ रहे हैं, चलिए हम सीढ़ी चल जाए, सीढ़ी चला जाए। हाँ सही है। बाकी जो चीज़ें ज़्यादा लाइन में लिखा है ना, वो चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, पढ़ के सुनाएंगे ना तो वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो बात समझिए, पढ़ पढ़ के बताएंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, आप लोग बोरिंग हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा, हम बस प्रिंट दिखा देंगे। ऑलरेडी आप देखे हैं 75 ही चढ़ के आ रहे हैं, अब कितना है हम आपको दिखा रहे हैं। 262 स्टेप्स, मतलब ये लास्ट है, नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आगे चल के बताऊंगा। 262 सीढ़ी और चढ़ना है। सामान यहाँ रख दिए हैं, भैया यहाँ पे आराम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मम्मी वहाँ पे हैं, पैदल चल रही हैं, ठीक है। ये भी सीढ़ी समान है, हाँ ये हाँ बस उतना लिखा है। 262 ये जो आप देख रहे हैं यही सीढ़ी है, ये चढ़ना हम लोग को। और बाकी यहाँ से पैदल जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं। तो भाई सीढ़ी 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 पहाड़ों पे सीढ़ी चढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, एक जंग लड़ने की तरह का है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप चल के चढ़ेंगे ना, तब तक आप सीढ़ी से आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं सुबह 3-4 बजे उठिए, फिटनेस अपने आप को रखिए, पढ़ाई करते पढ़ाई करिए, काम करते काम करिए, लेकिन बॉडी को फिट करिए, ठीक है। और हाँ, जिम लोग करते हैं तो सिर्फ जिम पे फोकस नहीं, भाई पैसे कमाने फोकस भी करो।
गाइस फाइनली हम भैरव बाबा के पास पहुंच चुके हैं और ये जो है ना प्लेस बहुत अच्छा प्लेस है। बट ये भैरव बाबा यही है जो हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए मैं यहाँ से एंट्री किया हूँ, ठीक है। ये नीचे कम दिखा रहे हैं आपको, अभी बहुत अच्छा चीज़ दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा पूरा क्लियर भवन दिखेगा, पूरा क्लियर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिखा ये जो व्यू आप देख रहे हैं ना, कैमरे तो देख के एंजॉय कर लें, लेकिन आप यहाँ पे आके देखेंगे ना पूरी जन्नत भाई, जन्नत देख रहे हैं भवन। मैं आपसे बोला था ना हर एक चीज कवर करूंगा, हर एक चीज। ये देखिए, तो अभी हम भैरव बाबा के पास हैं और यहाँ से माँ का भवन दिख रहा है। और मैं इधर भी दिखाता हूँ, और पहले वीडियो बना लें फिर फोटो खींचेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, जाकर लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब पे। ये भी देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए हेलीपैड जो सामने देख रहे हैं ना, वो हेलीपैड है।